वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो इस बारे में हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह होती है और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा एनिमल्स एंड प्लांट की एक्सक्रीशन, कि एनिमल्स एंड प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किस तरह सिक्रीट करते हैं, उसको स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम उसको स्टडी करेंगे, किस तरह काम करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये सब हम ही होम्योस्टेसिस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद किडनी प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स को क्योर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन हमारे पास टॉपिक आता है एनिमल्स एंड प्लांट्स की थर्मोरेगुलेशन के बारे में। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब होता है कि कंट्रोल करना, मेंटेन करना। एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर किस तरह रेगुलेट होता है या एनिमल्स एंड प्लांट्स टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन रखते हैं, तो ये भी हम होम्योस्टेसिस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैमल्स यानी ह्यूमंस के अंदर थर्मोरेगुलेशन किस तरह होती है, ह्यूमंस अपना बॉडी टेम्परेचर किस तरह मेंटेन रखते हैं, ये भी हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन क्या है, टेम्परेचर कितनी किस्म का होता है जिसको एनिमल्स फेस करते हैं, तो ये भी होम्योस्टेसिस चैप्टर में ही हम टॉपिक स्टडी करेंगे। और लास्ट में हमारे पास है किडनी के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में। तो किडनी जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और नेफ्रॉन जो है वो किडनी का ही स्ट्रक्चर है, तो इसको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये था इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। तो होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, होमियो एंड स्टेसिस। होमियो का मतलब है होम यानी घर, और स्टेसिस का मतलब है बैलेंस रखना, मेंटेन रखना। तो होम्योस्टेसिस का मतलब यह हुआ कि जैसे हम अपने घर को मेंटेन रखते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं, हर चीज़ को मेंटेन रखते हैं, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखते हैं, तो इसी तरह हमारी बॉडी को भी जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो भी अपने आप को मेंटेन करते हैं, ताकि सेल्स जो हैं वो सही से फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव यानी चेंजेस। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होती हैं उनके बुरे असरात से इंटरनल इन्वायरमेंट यानी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, उसको प्रोटेक्ट रखना, उसको मेंटेन रखना, इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। ऑर्गेनिजम्स इस चेंजेस को रोकते हैं ताकि इन चेंजेस का उनकी बॉडी के ऊपर असर ना पड़े, वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं इन चेंजेस को। तो ऑर्गेनिजम्स इन सब चेंजेस को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं इन चेंजेस के दौरान, तो ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल चेंजेस। इस तरह ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस के दौरान भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो होम्योस्टेसिस के तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि बॉडी को सही से फंक्शन करने के लिए उनका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंपोनेंट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं या उनके अंदर फ्लक्चुएशन यानी चेंजेस आ जाती हैं, तो बॉडी सेल्स जो हैं वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो कंपोनेंट हैं वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो सकते हैं, जिनके मेंटेन ना होने की वजह से बॉडी सेल्स का फंक्शन अफेक्ट होता है। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मैकेनिज्म है, उन्होंने एक अडैप्टेशन जो है इवॉल्व कर ली है, अपने अंदर चेंजेस क्रिएट कर ली हैं ताकि वो अपनी बॉडी से हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट कर सकें, बाहर निकाल सकें। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेट होना, बाहर निकलना, वो डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पर।
सेल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद तीन डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब है वाटर प्लस सॉल्यूट्स, यानी सॉल्यूट्स एंड वाटर को हम ऑस्मो कहते हैं। रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। तो ऑर्गेनिजम्स और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान सॉल्यूट और वाटर को मेंटेन रखना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है एलिमिनेट करना, बाहर निकालना। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म जो है अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन है थर्मोरेगुलेशन। तो थर्म का मतलब है टेम्परेचर, रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन होना। तो थर्मोरेगुलेशन यानी ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि होम्योस्टेसिस जो है जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंटरनल टेम्परेचर जो है बॉडी का वो एकदम फिक्स हो जाता है, बल्कि होम्योस्टेसिस बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक रेंज पर मेंटेन रखता है, यानी बैलेंस रखता है, ताकि बॉडी सही से फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो एक एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप फिक्स इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्राई है तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगी, और अगर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की सप्लाई ज़्यादा है तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगी। यानी ड्राई एंड वेट कंडीशन में इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बॉडी का वो चेंज होकर मेंटेन रहता है। अब होम्योस्टेसिस जो है ये इंटरनल टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन रखता है, तो हमारी बॉडी में होता है कंट्रोल सिस्टम जो होम्योस्टेसिस के जरिए बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर जो है वो एक फ्लड की तरह पानी बहेगा, बल्कि बॉडी वाटर की सप्लाई ज़्यादा होने के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगी। इसी तरह अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्राई है यानी गर्मी का मौसम है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, बल्कि ड्राई कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर खुद को मेंटेन रखता है। तो ये मेंटेनेंस होता है कंट्रोल सिस्टम के जरिए। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर यानी मैसेज रिसीव करने वाले, और ये मैसेज रिसीव होके जाता है कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर जो है इस मैसेज को डिटेक्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स मैसेज भेजते हैं अफेक्टर के पास। और अफेक्टर का मतलब है अफेक्ट होना, यानी फैक्टर्स फिर रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास है ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट, उसके अंदर सेल्स हैं। तो सेल की एक साइड पे हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम और सेंटर में है न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट कहलाता है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट कहलाता है एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपने एक चीज़ जो है वो नोट करनी है, जब भी आप सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई डायग्राम बनाते हैं तो कभी भी उसको ब्लैंक नहीं छोड़ते, क्योंकि सेल्स और सेल्स के इर्द गिर्द जो है वो फ्लूइड मौजूद रहता है हमेशा। अगर हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में सेंसर्स होते हैं यानी रिसेप्टर्स होते हैं, और इनको थर्मामीटर कहते हैं। टेम्परेचर की बात है तो रिसेप्टर जो है वो कौन से होंगे, थर्मामीटर होंगे, जो कि हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। अब थर्मामीटर जो है ये बाहर की गर्मी या सर्दी को डिटेक्ट करेंगे और मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर जो है इस मैसेज को डिटेक्ट करेगा, और अगर ड्राइनेस है या फिर वेटनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज भेजेगा फैक्टर को। फैक्टर जो है उस मैसेज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देंगे। और इस मैकेनिज्म को जो कि तीन स्टेप से होकर गुजरता है, इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे आपको भी बताया कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, तो रिसेप्टर जो हैं चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास भेजते हैं, कंट्रोल सेंटर जो है वो चेंजेस को मॉनिटर करता है, डिटेक्ट करता है, और इफेक्टर के पास जो है मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। इफेक्टर जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो
ड्राई है तो ये कूलिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो वेट है तो ये हीटिंग प्रोसीजर जो है बॉडी के अंदर स्टार्ट कर देंगे। फीडबैक मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हीटिंग रिस्पॉन्स जो है वो शो होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कूलिंग रिस्पॉन्स जो है वो शो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो का मतलब है वाटर प्लस सॉल्यूट और रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन होना। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वाटर रिलेशन ऑफ सेल, कि सेल्स का वाटर के साथ क्या ताल्लुक है। तो वाटर जो है सॉल्वेंट है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है क्योंकि वाटर जो है तकरीबन हर चीज़ को अपने अंदर डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है और हर सेल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होता है ताकि वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके। और होम्योस्टेसिस जो है इस वाटर कॉन्सेंट्रेशन को सेल्स के अंदर मेंटेन रखता है, यानी बैलेंस रखता है ताकि सेल्स सही से फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ऑस्मो रेगुलेशन में सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट का बैलेंस होना, तो तीन इन्वायरमेंट के जरिए बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस होते हैं। फर्स्ट इन्वायरमेंट है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, इसको हाइपरटोनिक कंडीशन भी कहा जाता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट एंड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और इसी वजह से वाटर जो है वो सेल्स के अंदर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है, यानी स्ट्रेच हो जाता है। तो ये हमारे पास है हाइपोटोनिक कंडीशन, जिसमें सेल जो है वो टर्जिड हो गया है। हाइपोटोनिक कंडीशन में सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर जो है वो आउटसाइड द सेल मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सेल हमारे पास श्रंकिन हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो ये है हाइपोटोनिक कंडीशन, इसमें सेल जो है वो श्रंक हो गया है, सिकुड़ गया है। थर्ड कंडीशन है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो इसमें सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है और सेल जो है वो नॉर्मल कंडीशन शो करता है, यानी सेल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नजर आता है। तो ये है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, जिसमें सेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, ना तो ये टर्जिड है और ना ही ये श्रिंक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस एंड ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आज हमने स्टडी किया है।